बड़वानी शहर के आशा ग्राम स्थित आशा आश्रय संचालक श्री राजेंद्र चौकसी वाले द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहाँ निराश्रित मनोरोगियों को खोजकर उन्हें आश्रय देकर उन्हें स्वस्थ करने का निःशुल्क सेवा कार्य करीब 2 वर्षों से किया जा रहा है। 2 वर्षों में 27 लोगों को स्वस्थ कर उनके परिजनों से मिलवाया गया। आज बनारस उत्तर प्रदेश के नथु को उसके परिवार से मिलवाया और उनके साथ भेजा। नथु 5 वर्ष से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। नथु का स्वस्थ कर उसके गांव का नाम पूछकर गूगल सर्च कर आशा आश्रय टीम ने यूपी पुलिस और गांव के प्रधान से संपर्क कर उसके परिवार से संपर्क किया। दरअसल आज शहर के आशा आश्रय में खुशियां तब बढ़ गई। बनारस यूपी से भटकते हुए नथु आशा आश्रय से ठीक होकर उसके परिवार से मिला। नथु के पिता ने बताया, नथु का दिमागी संतुलन खराब होने से वह घर से करीब 5 साल पहले चला गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिला। आशा आश्रय से सूचना मिली नथु उनके पास है तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ गांव में भी लोग नथु से मिलने के लिए उत्साहित है। आशा ग्राम स्थित आशा आश्रय में निराश्रित मनोरोगी नथु की देखभाल और उपचार किया गया, जिससे वह स्वस्थ हुआ। वहीं इस दौरान आशा आश्रय संचालक राजेंद्र चौकसीवाला एवं थाना प्रभारी दिनेश सी कुशवाहा ने परिवारजनों को शुभकामनाएं देकर विदा किए। इस दौरान आशा ग्राम ट्रस्ट से मनीष पाटीदार भी उपस्थित रहे। क्या परिचय आप? मेरा नाम राजेंद्र चौकसीवाला है, मैं कुक्षी से हूँ। इस आश्रम को चलते हुए करीब 2 साल हो गए हैं और आज तक 27 लोगों को हम स्वस्थ करके परिवार से मिला चुके हैं। किन लोगों को चयनित करते हो आप लोग? हम लोग सड़कों से ही लेते हैं, किसी परिवार वाले सदस्य को कभी रखने की कोशिश नहीं करी है। जो निराश्रित होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उसी को टारगेट करके उसी को रखते हैं। उसी का इलाज होता है? उसी का इलाज होता है। उसको पहले मेडिकल होता है, सारी कार्रवाई करने के बाद उसका इलाज लगता है। ये नथु की क्या कहानी रही है पूरी? जैसा कि सभी जितना पेशेंट आया एक ही तरीके से आया, नथु भाई भी उसी तरीके से आया था। हमारी जो टीम है, जो सुपरवाइजर है, वो लोग अक्सर बाजार में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को तलाशते रहते हैं और तलाशते जैसे मिलता वैसे लेकर भी नहीं आते। एक दो दिन उसकी स्टडी करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ हमारी सावधानी है उसको लेते हुए। जब लगता है वास्तव में ये हमारे लायक है, हमारी जरूरत है, तो ही उसको लेते हैं। ज्यादा हाइपर को नहीं लेते हैं, कोई नशे वाले को नहीं लेते हैं। जो अपना नाम बताते हैं वो हमारे लायक नहीं है, तो कुछ ऐसे हमारे क्राइटेरिया है उसमें जो खरे उतरते हैं। क्या हुआ फिर क्या हुआ? इसको यही बड़वानी से लिया था। हाँ, करीब 2 महीने इसको लायक हुए हैं। मार्केट से मिला था, एक दो दिन इसको वॉच किया, फिर लगा कि नहीं ये हमारे रखने लायक है, इसको लेकर आए थे। पहले इसको निलाया धुलाया, इसका मेडिकल करवाया, जो जरूरी आवश्यक फॉर्मेलिटी होती थाने की, एसडीएम कलेक्टर वगैरह, वो सारे कागज दिए। इसके बाद यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चालू किया, अच्छा खाना पीना और जो भी हमारे तरीके हैं स्वस्थ करने के, वो सब इस पर चालू किए। हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि सभी के प्रयास से इस देवभूमि का कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ आने वाले अपनी इच्छा साधते हैं और उतनी जल्दी ये उसको वापस भेजती भी है। जिसको जो बीमारी होती है स्वस्थ होके ही जाता है। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी को 2-3 महीने में कोई स्वस्थ कर सकता है क्या। और ऐसे रोगी जैसे नथुबे की बात करेंगे तो करीब 5 साल से बनारस से निकला हुआ है। बनारस की दूरी आप समझ सकते कितनी दूर होगी, ये कैसे चल के आया, कितने धक्के खा के आया, कल्पना के बाहर है। और इस 5 साल में कितना भोगा होगा, तो 2 महीने में ऐसा क्या चमत्कार होगा कि ठीक हो गया। यह ईश्वर की लीला है, ईश्वर जिसे ठीक करना चाहता है वो ठीक करता है और अपने आप स्वस्थ होता है। हमारा अपने साधन है, पहले इससे इनसे इंक्वायरी होती है, जो भी चीज ये इसके मुंह से निकालता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमारी टीम गूगल पर सर्च करती है, गांव के नाम जो भी होता है, कहीं मिसिंग होती है, थाने पर रिपोर्टें होती है उसको भी देखते हैं, या थाने से हमको सहयोग मिलता है और बाकी कार्रवाई जो भी होती करके इनका मतलब पता लगा लेते हैं कहाँ से है ये। फिर इनके परिवार से संपर्क होता है, पंचायत से या वहां से जो लिंक बैठती है, लगातार कंटिन्यूस एक ही उद्देश्य रहता है कि जल्दी से जल्दी इनके परिवार का पता लगे और परिवार वाले कि इनको आके ले जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग इससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। हमने हमारी कोशिश से इसको जिस लेवल पर लाए हैं, मान लो हमको इनको ठीक होने में इसको 5 पायदान लगती है, तो 3 पायदान तक का हमारा प्रयास है। आगे 4 और 5 पायदान कब पूरी होगी, जब इसका फैमिली साथ में आएगी। ये हमारे यहाँ इसको पूरा ठीक होने में हो सकता है 1 साल भर लगेगा, पर परिवार मिलेगा तो ये उससे आधे समय में पूरा स्वस्थ हो जाए, इसी उद्देश्य से इसको हम भेज रहे हैं। क्या परिचय आप?
हमारा नाम, हाँ, नाम क्या? हमारा नाम जवाहिर है। कहाँ रहते हो, किस राज्य में रहते हो? मैं बनारस जो है कि रहते हैं, यूपी, यूपी बनारस रहते हैं। और ये हमको हमारा लड़का 5 साल से जो खो गया था, और अभी यहाँ ट्रस्ट के द्वारा जो है कि ये भाई के द्वारा जो है कि हम लोग को सूचना किसी तरह से मिल गया, तो हम लोग जो है कि यहाँ तक आ गए हैं। और हमारा लड़का, हमारा बेटा बहुत सुरक्षित यहाँ पर हमको मिला। 5 साल के बीच में पता नहीं कितना दर दर का ठोकर खाया होगा, ये तो मैं नहीं जानता, मगर पागलों को देखते हैं तो समझ में आता था कि ऐसे ही हमारा लड़का होगा। अब तो ये तो हम नहीं जान पाते कि हमारा लड़का कितना कितना ठोकर खाया होगा, मगर अभी यहाँ पर मेरे को मिला है हमारा लड़का, तो एकदम सुरक्षित मिला। और अच्छा, बड़वानी मिला है? हाँ, ये बड़वानी जिला है ना? हाँ, तो ये बड़वानी जिला में हमको जो ये ट्रस्ट के द्वारा जो कि हमको मिला, और अभी हमारा लड़का सुरक्षित है। गांव में कैसा माहौल है? और गांव में हमारे जो है कि जैसे हमारे भाई बंधु और जो है कि लोग परिवार, नात रिश्तेदार जितने भी हैं, सबको खुशी का माहौल एकदम है। सब लोग खुश है कि हमारा जो है कि अच्छा वो मिल गया है। गए हैं लोग लाने के लिए, लाएंगे। सब लोग इंतजार ही कर रहा है उनको जो है कि देखने के लिए, करने के लिए जो है। अच्छा, आश्रय में जो काम हो रहा है बड़वानी में, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या कहोगे? ये जो है कि यहाँ आशा आश्रम में हम लोग कल आए हैं, देखते हैं, जब से तब से यहाँ पे मुझे जैसे लगता है कि ये यहाँ पर एक परिवार जैसे कि हमको लगता है कि जैसे कि अपने परिवार में अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, उनको सेवा जतन करते हैं, वैसे हमको देखने में यहाँ पे मिला कि जैसे अपने बेटे के जैसा यहाँ पर सम्मान दे करके उसको दवा पानी खिला करके नहाना धुलाना, उठाना बैठाना, उनको योगा कराना, उनको सिखाना बताना, ये सब जो है हम यहाँ पर देखे कि बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने बेटे की ही जैसा, अपने भाई के जैसा लोग जो है कि यहाँ पर सब कर रहे हैं।